हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू लिटरेचर लर्नर्स। तो दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का थर्ड वीडियो है ये, जिसमें पहले वाली वीडियोस में मैंने एंग्लो सैक्सन पीरियड और इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को कवर किया। तो दोस्तों, उसके आगे वाला जो पीरियड आता है वो है मिडिल इंग्लिश। ठीक है, मिडिल इंग्लिश पीरियड जो 1066 AD से स्टार्ट होता है और 1485 तक स्टॉप होता है। दोस्तों, मिडिल इंग्लिश जो पीरियड है वो तीन जो पीरियड से गुज़रता है, तीन एजेस से गुज़रता है। पहली एज है, उसको हम कहते हैं बिफोर चौसर। दूसरी है एज ऑफ चौसर। तीसरी आफ्टर चौसर। ठीक है, अब मिडिल इंग्लिश में हो क्या रहा था, इस पीरियड में जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो एज़ ए लैंग्वेज राइज हो रही थी। ठीक है, इंग्लिश जो थी वो एक लैंग्वेज के तौर पर उभर रही थी, और उस उभरने के बाद क्या होता है कि वो जो इंग्लिश थी वो पहली वाली जो ओल्ड इंग्लिश थी उससे बेहतर थी और बेहतर बन रही थी। वो इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो डेवलपिंग के प्रोसेस में थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि एक डॉक्यूमेंट किंग जॉन जो है वो इंग्लैंड का उस टाइम में बदतरीन बादशाह होता है। 15 जून और 1215 में एक कागज़ का टुकड़ा यानी जिसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा, एक डॉक्यूमेंट, एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिला। ठीक है, इसमें थॉमस जेफरसन गांधी का भी जिक्र है। ठीक है, ये एक ग्रेट चार्टर है जिसको इंग्लैंड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी ऐड कर दिया गया है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका मतलब, मैग्ना कार्टा का मतलब ये द ग्रेट चार्टर। ठीक है, इसमें ऐसे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, मतलब वो प्रिंसिपल जिसमें हर बंदा सब्जेक्ट टू द लॉ है, यानी हर जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको उन जो लॉ के प्रिंसिपल्स हैं उन सबको फॉलो करना है। ठीक है, अब ऐसे हम कह सकते हैं कि वो अगर किंग हो, किंग को भी वो प्रिंसिपल्स पूरे करने हैं, उन प्रिंसिपल के साथ ही चलना है। ठीक है, तो अब दूसरी बात यह कि उस टाइम में मैग्ना कार्टा की ज़रूरत क्या पड़ी थी जो लिखा गया। मैग्ना कार्टा इसलिए क्योंकि किंग जॉन जो था इंग्लैंड का उस पीरियड में किंग था, वो बहुत ही क्रूर था, बहुत ही रूड किस्म का बादशाह था, बहुत बदतरीन बादशाह था उस पीरियड में। तो जो बैरोन्स थे, ठीक है, जो बैरोन्स थे उन्होंने क्या किया, बादशाह को बैरोन्स ने कहा अगर आप जुल्म करोगे तो हम बगावत करेंगे, क्योंकि वो बैरोन्स थे, उनके हाथ में भी एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे सेक्टर्स थे। ये तो थोड़ा सा था पॉलिटिकल बैकग्राउंड। ठीक है, अगर हम देखें लिटरेचर वाली साइड, मिडिल इंग्लिश जो लिटरेचर है, तो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर तीन कैटेगरीज में लिखा जाता था। पहली कैटेगरी है वार। ठीक है, क्योंकि उस पीरियड में वार और बैटल्स बहुत ज़्यादा थी, जो भी किंग्स थे इन्वेजन करते थे, तो उन्हीं चीज़ों पर एपिक पोएम्स और एलिजीज़ वगैरह ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जो वो डेवलप हो रही थी उस पीरियड में अकॉर्डिंग टू द वार, क्योंकि वार एक मेन सब्जेक्ट था जिस पर ऐसी चीज़ थी जो जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा 13th century में लिटरेचर लिखा गया। ठीक है, मिडिल एज में। दूसरी चीज़ है रिलीजन। रिलीजन एक ऐसी साइड है जिसमें अगर हम देखें कि चौसर की एज से पहले या स्टार्टिंग में क्रिश्चियनिटी नहीं थी। ठीक है, क्रिश्चियनिटी का जो उरूज था वो इस पीरियड में यानी मिडिल एज में आया। पहले इंग्लैंड में इतनी क्रिश्चियनिटी नहीं थी, लोग क्रिश्चियंस नहीं थे। जब क्रिश्चियनिटी वहाँ पर लोग लेके आए, ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी तो लिटरेचर पर रिलीजियस बहुत सारे रिलीजियस वर्क्स हुए लिटरेचर में। ठीक है, जो आगे चल के मैं आपको कुछ पोएम्स बताऊंगा, रिलीजियस पोएम्स बताऊंगा, और रिलीजन पर बहुत सारा अदब जो है लिटरेचर है वो लिखा गया। उसके बाद मिडिल इंग्लिश में लिटरेचर में रोमांसेस। अब रोमांस तो दो किस्म का है इस लिटरेचर में।
रोमांस भी दो किस्म का है। रोमांस एक पहला जो हम रोमांस करते हैं, एक रोमांस करते हैं लड़की के साथ, लेकिन इस जो ये टर्म है रोमांस, इसकी मीनिंग यहाँ पर रोमांस की मीनिंग ये हरगज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उस पीरियड में जो रोमांस को हम कहते थे, कि जो बादशाह थे, जो किंग्स थे, तो वो करते क्या थे कि अपने जो इलाके छोड़कर दूसरे मुल्क को, अपने मुल्क को, अपने घर छोड़कर अपने मुल्क को डिफेंस करते थे, अपने मुल्क के लिए लड़ते थे। तो वो उस जो हुब्बुल वतन थे, उनको, उन किंग्स को, उन लोगों को रोमांस कहते थे, ठीक है। उस चीज़ पर रोमांस के, उस रोमांस पर भी बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया। और वही पीरियड था जब मिडिल इंग्लिश में जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी बनी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी बनी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1209 में बनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1167 में बनी। अब दोस्तों आते हैं 12th सेंचुरी पर। उसमें ऑर्म्यूलम एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है, जो एक मॉन्क के लिए लिखा था ओम ने। अब ऑर्म्यूलम क्या है? ये एक इंटरप्रिटेशन है, यानी एक एक्सप्लेनेशन है किसकी? बाइबल की। ये ओर्म ये पहला पोइट था जिसने पोइटिक मीटर ऐड किया था अपनी पोइट्री में, ठीक है। पोइटिक मीटर जो यूज़ करने वाला जो पहला बंदा है वो है ओर्म, ऑर्म्यूलम, जो इसका पोयम है, जो रिलीजियस पोयम है। अब दूसरा था द ऑल एंड नाइटिंगल, ये भी एक पोयम था। अब आते हैं 13th सेंचुरी पर। 13th सेंचुरी में लेमन्स ब्रल जो है उसने लिखा था हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी उसने लिखा था। क्योंकि उस हिस्टोरियोग्राफी में वो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कम था का वक्त था, क्योंकि उस पीरियड से पहले लिटरेचर में या कोई भी जो भी राइटर्स थे वो अपने अपना जो मवाद लिखते थे, अपनी जो राइटिंग्स लिखते थे, उनमें अपना नाम तक नहीं देते थे। लेकिन जब ये ब्रल, जब ब्रल आया तो उसने अपनी लाइफ के बारे में लिखा, यानी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पर काम किया, इसीलिए इन 1205 में, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट मिलता है वो है द रोमन डी ला रोज, ठीक है। वो ये एक फ्रेंच लैंग्वेज में, यानी रोमन डी ला रोज मतलब रोमेंस ऑफ रोज, ठीक है। रोमेंस ऑफ रोज जो है वो भी लिखा गया, ये एक रोमेंस है, ये एक रोमेंस पोयम है, और बहुत सारे दूसरे भी पोयम्स है रॉबर्ट मैंग। अब आते हैं 14th सेंचुरी पर। 14th सेंचुरी में जो एलिटरेटिव रिवाइवल, ठीक है, ये 13th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के बीच में है, ये वर्सेस यूज़ करने का एक पैटर्न है। तो दोस्तों ये थी वीडियो बिफोर चौसर, यानी मिडिल इंग्लिश। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसकी वीडियो बनाएंगे बहुत मज़े से। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।